मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज अपने देश के प्रधानमंत्री के नाम, उनको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए तो। अभी इलेक्शन हुए, स्टेट में बीजेपी हार गई और कांग्रेस को सत्ता मिली। कर्ज माफ़ी की बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, किसानों का कर्ज माफ़, 2 लाख तक का, ये माफ़ वो माफ़, और अब ये हर स्टेट में होगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, क्योंकि लोगों को पता चल गया, नेताओं को पता चल गया कि ये करो, कर्ज माफ़ी करो तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और ये सबसे पहले स्टार्ट होता है दिल्ली से, जब केजरीवाल जी की सरकार आई थी बिजली पानी के मुद्दे पे, तो तभी खून लग चुका था सर हमारे जनता में। सर लोग बोलते हैं नेता करप्ट है, मैं बोलता हूँ इस देश की जनता करप्ट है, इस देश की जनता करप्ट है। उसको हर चीज़ फ्री में चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, लेकिन देना कुछ नहीं है, सब लेना है, वो भी फ्री में। जैसे इलेक्शन पास आएंगे, अब हर साल होगा सर ये, हर 5 साल के बाद इलेक्शन पास आते ही सब शुरू हो जाएंगे, मुझे ये फ्री दो, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। क्या बोलूँ यार, मैं मोदी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मोदी जी 4.5 साल आपने एक प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया इस देश के लिए, जो भी काम किया आपने, पर अब 6 महीने के लिए आप सिर्फ पॉलिटिशियन बन जाइए सर, इस देश को आपकी जरूरत नहीं है एज ए प्राइम मिनिस्टर, अब आप पॉलिटिशियन बन जाइए सर, और आप भी फ्री में बांटना शुरू करिए सब कुछ फ्री, क्योंकि हम लोग सर इस देश की जनता जो है ना गिव एंड टेक वाली रिलेशन में विश्वास रखते हैं, उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको और कोई मुद्दा समझ में नहीं आता, उसको गरीब का मुद्दा, असली जो गरीब है उसका मुद्दा समझ में नहीं आएगा, उसको ये लगेगा मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ मिला नहीं। आज सब कर्ज माफ़ी की घोषणाएं हो रही हैं सर, वो पैसा किसका है, वो पैसा हमारा भी है सर, वो जो सर्विस क्लास लोग हैं उसका पैसा है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका पैसा है, जो टैक्स देते हैं उनका पैसा है, लेकिन नुकसान किसका होगा, नुकसान हर उस इंसान का होगा जो टैक्स देता है, देता कोई है मिलता किसी और को है, इस देश का यही हाल है दोस्तों। क्या बोलूं, कभी कभी तो मन करता है यार छोड़ दूं, भाग जाऊं यहां से, लेकिन फिर कहां जाएंगे, अपना देश है, सोचना तो हमें ही है दोस्तों। करप्ट तो हम लोग हैं सर, हम ही लोग बना के भेजते हैं इन नेताओं को, चुन के तो हम लोग ही भेजते हैं ना, करप्ट तो हम हैं सर, हमें हर चीज़ फ्री में चाहिए, लेकिन जो टैक्स देता है, जो मिडिल क्लास आदमी है सर, उसका पैसा जा रहा है सब ये फ्री फंड में जो आप दे रहे हैं इधर से इधर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन से पहले सब लोग करेंगे ये, वो करना पड़ेगा क्योंकि उनको वोट चाहिए। गलती आपकी नहीं है सर, गलती हमारी है, क्योंकि हमारे मुँह में खून लग चुका है फ्री में कुछ लेने का। किसानों की प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ फ्री फंड ये सब करने से उनका इलाज हो जाएगा? जो सब्जी वहाँ पे वो उनको 5 रुपये की वो बेचते हैं, हमें तो 35-40-50 रुपये या कई बार 100 रुपये की मिलती है, उसके बीच में जो गैप आ रहा उस पर ध्यान दीजिए, उनकी और प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जो ऐसा फ्री में चाहिए, फ्री में लेते रहो, फ्री में करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, आखिर में वही होगा जो होता आया है। चलो दोस्तों, मेरा मूड तो ख़राब है जब से मैं ये सब देख रहा हूँ, क्योंकि इस देश की जनता को समझ में नहीं आया कि उसको क्या चाहिए था, और उसने क्या खोएंगे और क्या पाएंगे ये उनको बाद में समझ में आएगा, पर हमें ज़रूरत है सर, मोदी जी हमें आपकी ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमें पता है कि आप जो कर रहे हो वो देश के लिए कर रहे हो, और आम आदमी को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको सिर्फ अपना सोचना है, लेकिन देश किसका है सर, देश भी तो हमारा है, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा सर, मेरी रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है, वैसे तो आप बहुत गुणी इंसान हो सर, 6 महीने के लिए पॉलिटिशियन बन जाइए सर, आप भी बांट दीजिए सब फ्री में, सबको दीजिए, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको दीजिए, जो टैक्स देता है उसको भी दीजिए, सबको बांट दो सर, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है, आपको वोट नहीं मिलेगा तो सर अगले साल आप नज़र नहीं आओगे, करना पड़ेगा सर, ये करना पड़ेगा, इस देश की जनता इस लायक नहीं है।
यहाँ दिल से नहीं सर, दिमाग से काम लेना पड़ता है। और मुझे पता है आप प्रधानमंत्री बने हो, आप में बहुत ज़्यादा दिमाग है सर, आप बहुत गुनी इंसान हो, पर आप दिल से सोचते हो सर। और ये देश दिल से नहीं, इस देश की जनता दिल से नहीं सर, दिमाग से काम करती है। और दिमाग उनका सिर्फ उसमें होता है जो उनको फ्री देता है। गिव एंड टेक वाला रिलेशन बना लिया सर हमने, एक आसे दो एक आसे लो, देश ऐसे ही चलेगा सर। क्या बोलूँ, गलती हमारी है, सिर्फ हमारी, जो हम इन नेताओं के झांसे में आ जाते हैं फ्री फंड के चक्कर में। लाखों का कर्जा हो चुका है सर हमारे सर के ऊपर, लेकिन वो जब फूटेगा ना गुब्बारा तब इनकी समझ में आएगा, तब तक किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बार ये जो शुरुआत हो गई है ना फ्री बांटने की, ये अब रुकेगी नहीं सर, रुकेगी नहीं। चलो दोस्तों चलता हूँ, और क्या बोलूँ, करप्ट तो हम ही हैं सर, हम लोग ही करप्ट हैं। मैं अपने सब देशवासियों से रिक्वेस्ट करूँगा सर कि थोड़े दिनों के लिए आप भी भूल जाएं कि कोई सरकार है। सर्दी है सर, रेबड़ियाँ बांटो, मजा लो। बाय दोस्तों।